वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मैं आपको आजकल स्पोकन का सीरीज दे रहा हूँ जिसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, इसको फ्रेजल वर्ब कहें या इडियम्स फ्रेज कहें, ये एक्चुअली बोल चाल में बहुत प्रयोग होते हैं। तो ये स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए और आपके पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सकता है मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप करें और आपको याद करें और डे टू लाइफ में इसको बोलें, हमेशा आपका काम आएगा। देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वर्ड है गॉट इंटू। गॉट इंटू का मतलब होता है फंस गया। गॉट इंटू का मतलब गॉट इंटू कहो, गेट इंटू कहो, गेटिंग इंटू कहो। तो ये जो गेट है, गॉट है, ये वर्ब है, ये वर्ब का फॉर्म है, इसको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। इसको है गेट इंटू कहो, गॉट इंटू कहो, गेटिंग इंटू कहो, तो जैसे कहो। इसका हिंदी निकलेगा फंस जाना, फंस गया। जैसे मैं एक समस्या में फंस गया, तो आई गॉट इंटू अ प्रॉब्लम। तो मैं एक समस्या में फंस गया, आई गॉट इंटू अ प्रॉब्लम। तो आप इसको बोल सकते हो, मैं एक समस्या में फंस गया, आई गॉट इंटू अ प्रॉब्लम। और भी एग्जाम्पल देखें, डिड यू गेट इंटू पॉलिटिक्स, क्या तुम पॉलिटिक्स में फंस गए हो। डिड यू गेट इंटू पुलिस, क्या तुम पुलिस में फंस गए हो। डिड यू गेट इंटू ट्रैफिक, क्या तुम ट्रैफिक में फंस गए हो। देख लो आप, डिड यू गेट इंटू सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डिड यू गेट इंटू बैड कंपनी। तो इस तरह से आप गेट इंटू या गॉट इंटू का मतलब फंस जाना। तो जहां भी ये वर्ड याद करके आप डेली लाइफ में डेली बोलने का प्रयास करें। डिड यू गेट इंटू पॉलिटिक्स, डिड यू गेट इंटू पुलिस, डिड यू गेट इंटू ट्रैफिक, डिड यू गेट इंटू सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डिड यू गेट इंटू बैड कंपनी। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं वर्ड नंबर टू, देयर मे बी हाइक। देयर मे बी हाइक, बढ़ोतरी हो सकती है। देयर मे बी हाइक, बढ़ोतरी हो सकती है। अब करना क्या है कि देयर मे बी हाइक के वर्ड कोई भी वर्ड अदर वर्ड जोड़ ले, काम समाप्त हो जाएगा। जैसे बस किराए में बढ़ोतरी हो सकती है, कि दी देयर मे बी हाइक इन बस फेयर। तो देयर मे बी हाइक इन बस फेयर, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। देयर मे बी हाइक इन पेट्रोल प्राइस, पेट्रोल प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। देयर मे बी हाइक इन गैस प्राइसेस, गैस प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। देयर मे बी हाइक इन ब्रिक प्राइसेस, ईंट में बढ़ोतरी हो सकती है। देयर मे बी हाइक इन व्हीट प्राइसेस, व्हीट प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। देयर मे बी हाइक इन होम लोन इंटरेस्ट, होम लोन में इंटरेस्ट हो सकता, प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। तो देयर मे बी हाइक, बढ़ोतरी हो सकती है। अगला वर्ड है नीड टू। नीड टू का मतलब आवश्यकता है। नीड टू मतलब आवश्यकता है। तो जिस चीज की आपको आवश्यकता है वहां नीड टू का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस नीड टू, नीड्स टू, नीडिंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। सोनिया को इस कार्य को करने की जरूरत है, सोनिया नीड्स टू डू दिस वर्क, सोनिया नीड्स टू डू दिस वर्क। प्रैक्टिस और कर लीजिए। डू यू नीड टू ज्वाइन द डीएसएल इंग्लिश, डू यू नीड टू ज्वाइन द डीएसएल इंग्लिश, डू यू नीड टू स्टे हेयर एट नाइट, डू यू नीड टू स्टे हेयर टू नाइट। तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हो, तो डू यू नीड टू स्टे हेयर टू नाइट। सी नीड्स टू हेल्प हर मदर, सी नीड्स टू हेल्प हर फादर, सी नीड्स टू हेल्प हर ब्रदर। तो जितना मर्जी करे सेंटेंस आप बोलो। यू नीड टू सेव सम मनी, तुम्हें कुछ पैसा बचाने की जरूरत है। यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड है हम लोगों का सिजलिंग ऑफ। सिजलिंग ऑफ का मतलब होता है जादू हो रहा है। सिजलिंग ऑफ का मतलब जादू हो रहा है। सिजलिंग ऑफ के बाद नाउन और अदर वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आजकल चारों तरफ डीएसएल का जादू हो रहा है, तो आजकल चारों तरफ डीएसएल का जादू हो रहा है। तो सिजलिंग ऑफ डीएसएल ऑल अराउंड नाउडेज, सिजलिंग ऑफ डीएसएल ऑल अराउंड नाउडेज। आजकल डीएसएल, आपकी कोचिंग का नाम डीएसएल का जादू हो रहा है। सिजलिंग ऑफ कंप्यूटर ऑल अराउंड नाउडेज, कंप्यूटर का जादू चारों तरफ हो रहा है। सिजलिंग ऑफ सैमसंग, सिजलिंग ऑफ नोकिया, सिजलिंग ऑफ कोई भी कंपनी ना ले लो, तो सिजलिंग ऑफ नोकिया इन इंडिया, सिजलिंग ऑफ सैमसंग इन इंडिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड है फिक्सअप। फिक्सअप का मतलब हुआ तय करना, फिक्स अप। जैसे तय करना, मीटिंग की तारीख तय करो, फिक्स अप द डेट ऑफ मीटिंग।
तो फिक्सअप का मतलब तय करना, किसी चीज के तारीख को तय कर दिया फिक्सअप कहलाता है। फिक्सअप द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग की तारीख तय करो। डिड यू फिक्सअप द मैरिज डेट, डिड यू फिक्सअप द मैरिज डेट, डिड यू फिक्सअप द प्रोग्राम, क्या तुम प्रोग्राम फिक्स किया तय किया। डिड यू फिक्स अप द अपॉइंटमेंट, क्या आपने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स किया। डिड यू फिक्स अप द अपॉइंटमेंट, डिड यू फिक्स अप द कोर्ट डेट, डिड यू फिक्स अप द कोर्ट डेट, कोर्ट का डेट फिक्स किया गया। हैज़ द मीटिंग बीन फिक्स्ड अप, क्या मीटिंग का डेट फिक्स हुआ। हैज़ द मीटिंग बीन फिक्स्ड अप, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, गिव अवे का मतलब बांटना। आप विद्यार्थियों को क्या बांट रहे हो, वाट आर यू गिविंग अवे द टू द स्टूडेंट्स, वाट आर यू गिविंग अवे टू द स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थियों को क्या बांट रहे हो। अब देखते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, आर यू गिविंग अवे द सर्टिफिकेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, आर यू गिविंग अवे द सर्टिफिकेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, आर यू गिविंग अवे द सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट, आर यू गिविंग अवे मनी टू द पुअर, आर यू गिविंग अवे द मनी टू द पुअर, आर यू गिविंग अवे राइस पडिंग, इज योर टीचर गिविंग अवे बुक्स, इज योर टीचर गिविंग अवे बुक्स। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा और लगातार मैं बना करके आपको देता रहूंगा। देखा आपने, अब इस तरह से आप हर एक वीडियो को आप देखें और देख करके याद करें। और हाँ, एक बात खास कहूँगा, ये जितने वर्ड्स आपने देखे ना, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए। आप चाहे SSC हो चाहे CPO, किसी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए बहुत जरूरी है। और खास करके बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि सर ऑनलाइन बैच कब चलता है, तो ऑनलाइन बैच 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप चाहो तो ऑनलाइन बैच के लिए www.dsl.com पे जा करके आप इसमें नीचे देख लो और जा करके हर चीज़ आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको देख करके आप ऑनलाइन क्लास घर बैठे आप अंग्रेजी सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरी बात, आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट करके पूरे भारत में फैला दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आप कहते हो वीडियो नहीं मिलता सर, नोटिफिकेशन नहीं मिलता सर, तो बेल आइकन दबाना पड़ता है तब मिलेगा आपको। और पूरे बच्चों को फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।